हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं प्रेम आश्रम से लाइव। आज सुबह भी बारिश हुई है और अभी भी बारिश की फोरकास्ट है कि बारिश होने वाली है आज, शायद बहुत तेज़। तो बहुत तेज़ बारिश से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ इंतज़ाम हमने कर रखे हैं। आप देखिए, आज ये हमारे सब बच्चों के रूम्स हैं, टोटली कवर्ड। और ये हमारे हेल्पर हैं अर्जुन। अर्जुन नमस्ते करो सबको। और ये कजरी, और ये अंकित सक्सेना सर हैं। यहाँ पर हम ये छपरों को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ से कवर्ड हो जाए। जान की कन्हई गंदी बात, कोई नया मेहमान आता है उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। आज एक्चुअली हमारे यहाँ दो नए मेहमान आए हैं। एक छोटा सा पपी है जिसको हमने रेस्क्यू किया था आते हुए, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी रिब्स में काफ़ी चोट आई है। उसको हमने रेस्क्यू किया है और वो छोटा है, काफ़ी घबराया हुआ भी है, ट्रॉमा में है। तो फिलहाल उसको हमने अंदर रूम में रखा हुआ है। ये यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने खाना खा रहे हैं। ये हमारी सुभद्रा आंटी हैं, सू। ये पार्वती, गणेश और वीरू। ए वीरू, आज वीरू नहाए हैं। आज मैंने सबको नहलाया है, बहुत गंदे हो रहे थे। बेटा गंदी बात देखो, बहुत बुरी बात है। फिनिक्स हटो। ये नए साहब हैं, इनके ऊपर सब अपना गुस्सा उतार रहे हैं। क्या बात छोटू, डरो नहीं। ये वही डॉग है जिसको प्रेम नगर में लोग जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे थे और आईवीआरआई के डॉक्टर्स को बदनाम कर रहे थे। कह रहे थे कि हमने आईवीआरआई से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया है इसको जहर देने के लिए। कुछ पाउडर और कुछ टैबलेट्स उन्होंने इसको लगातार दूध में मिला के देख ली। रिपोर्टर ने हमें इन्फॉर्म किया, हमने जाके वहाँ पे लोगों से बात की और इसको अब हमने रेस्क्यू कर लिया है। इसका नाम छोटू है। सब लोगों को खाना खाना है, डरा हुआ है। एक साल है बहुत पुरानी, जाको रखे मार सकेंगे कोई। तो रानी भवन, प्रेम नगर, बरेली, अगर आप लोग जो कि इसकी जान के दुश्मन बने हुए थे और इसके पीछे पड़े हुए थे, अगर आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द कोई दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपका कोई अपना, आपका कोई अपना सगा आपको दूध में मिला के जहर पिलाएगा और आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। बिकॉज कर्मा पेज बैक। आपने इसको दूध में जहर दिया, सेडेटिव्स दिए, हर तरह से उसको मारने की कोशिश की। और जहाँ तक कि मुझे पता चला कि आप लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे इसकी आंखें अभी तक बंद क्यों नहीं हुई, तो मैं ये जानती हूँ कि जब आपके बच्चे आपसे उकता जाएंगे, आजिज आ जाएंगे, या किसी दिन कोई आपको भी जहर दे देगा, तो वहाँ पर खड़े होकर लोग यही बात करेंगे कि अरे इसकी आंखें अभी तक बंद क्यों नहीं हुई। तो आप लोगों को बहुत बहुत सद्भावना मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामना कि जिन्होंने इसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन अब वो प्रेम आश्रम पे बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर उसको जहर देने वालों को मैं जहर दे दूँगी, इसलिए अब आप लोग ऐसी कोई चेष्टा दोबारा किसी दूसरे जानवर के साथ मत कीजिएगा, वरना आप सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। फिलहाल हम लोग अपनी बच्चों की सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे हैं और यहाँ पर त्रिपाल टांग रहे हैं कि जिससे हमारे बच्चों को रात को सर्दी ना लगे। आप देखिए कितना अच्छा लगता है प्रेम आश्रम पे। कभी आइए, विजिट कीजिए। ये देखिए, प्यारी, ये रूम है जहाँ पर हम शाम को इनके सोने का इंतज़ाम करते हैं। अर्जुन सबके बिस्तर लगा रहे हैं। अगर आप लोगों के घर पे कोई पुरानी रजाइयाँ, गद्दे, क्विल्स
चादरें, कुशन या तकिए अगर पड़े हों तो आप हमारे एड्रेस पे भिजवा दीजिए कि जिससे हम इन लोगों के लिए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जानवर शैतान बहुत होते हैं, रोज़ अपने बिस्तर फाड़ लेते हैं, रोज़ अपने बिस्तर ख़राब कर लेते हैं। कनेक्शन बीच में इंटरप्ट हो गया था, एक कॉल आ गई थी। तो मैं आप लोगों से ये बात कर रही थी कि अगर आप लोग के घर पे कोई पुरानी ब्लैंकेट्स, पुरानी रज़ाइयाँ, कुशन, तकिए या बेडशीट्स हों तो आप हमारे एड्रेस पे भेज दीजिए। हम खाने में हमारा सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भूसा, चोकर, घोटा, मसूर की और अरहर की चूनी, गुड़, बिस्किट, डॉग फूड, कैट फूड, दलिया, चावल, आटा, ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो अगर आप लोग इसमें से कुछ भी हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, मेडिसिन अगर हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो प्लीज़ हमें संपर्क कीजिए। आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही ये काम निर्बाध रूप से चल सकता है। और ये सारे यहाँ पर जैसे रह रहे हैं आराम से,